हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आ चुकी हैं जो देव को पागल बना रही हैं। जी हाँ, और देव के पागलपन को हाई लेवल पर लेके जा रही हैं। जी, वो सोनाक्षी को किसी और के साथ देख नहीं पा रहा है और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है क्योंकि अब सोनाक्षी पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि अब वो दोनों एक साथ नहीं हैं। देव और सोनाक्षी बहुत सारे एफर्ट्स और सेक्रीफाइस करते हैं ताकि वो लोग फिर से एक साथ रह सकें, ताकि वो सुहाना को खुश देख सकें। अब ये टाइम है कि देव और सोनाक्षी शायद फिर से शादी के बंधन में बंध जाएंगे, शायद उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और पर इससे पहले देव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सोनाक्षी पर। जी हाँ, जब देव और सोनाक्षी की फाइट हो जाती है क्योंकि वो हेयर करता है कि वो जतिन से बात कर रही है किसी बदले के बारे में, और देव सोचता है कि सोनाक्षी ने देव से बदला लेना है, लेकिन सोनाक्षी तो कोई और बात ही कर रही होती है। एंड उसे लगता है कि सोनाक्षी और जतिन मिल के दोनों देव को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे होगी स्टार्ट इनकी फाइट, सोनाक्षी की बेवकूफ़ियाँ क्या होगा, ये सब। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिटेल्स। इफ यू लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आई लव यू, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आ चुकी हैं जो देव को पागल बना रही हैं। जी हाँ, और देव के पागलपन को हाई लेवल पर लेके जा रही हैं। जी, वो सोनाक्षी को किसी और के साथ देख नहीं पा रहा है और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है क्योंकि अब सोनाक्षी पर उसका कोई अधिकार नहीं।